एक नया दिन और एक नई सफर पर हम निकल पड़े। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। फाइनली अभी पहुंच गए गिफ्ट सिटी के बहुत ही नज़दीक। पीछे की साइड पे पूरा जो दिख रहा है पूरा गिफ्ट सिटी है। एंड मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है यहाँ पे सोवटिया सिराक, शॉर्ट में आप सीसी बोल सकते हो। इससे पहले भी गिफ्ट सिटी के मैंने 3 ब्लॉग बनाए हुए, तो ये मेरा 4th ब्लॉग है गिफ्ट सिटी का। मैं एवरी 2 मंथ पे मोस्टली अपडेट करता हूँ, पर इस बार क्या बिजनेस का काफ़ी काम था तो थोड़ा लेट हो गया है। तो वैसे मेरा आज भी लेक्चर था, तो अभी देखो पूरा ब्लेजर के अंदर ही सीधा ही टाइम मिला तो निकल के सीधा गिफ्ट सिटी आ गया हूँ। तो चलते भी गिफ्ट सिटी और बता दो पूरा अपडेट क्या है, पूरा अपडेट। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे वीडियो पे, गिफ्ट सिटी के वीडियो पे एंड धोलारा के वीडियो पे। गिफ्ट सिटी के वीडियो पे 60,000 प्लस व्यू है एंड धोलारा के वीडियो पे 90,000 व्यू है। तो सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कॉमेंट का आंसर करना चाहूँगा। यहाँ पर फैंटेसी पटेल ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई गिफ्ट सिटी कब तक रेडी हो जाएगा। तो देखो अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डेट डिक्लेयर नहीं किया या कोई ऐसा ईयर नहीं बताया कि ईयर में गिफ्ट सिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर हाँ इतना बता सकता हूँ मैं कि अभी गिफ्ट सिटी के अंदर फेज़ 2 का काम चल रहा है। फेज़ 1 का काम गिफ्ट सिटी के अंदर कंप्लीट हो गया है एंड अभी फेज़ 2 का काम गिफ्ट सिटी के अंदर चल रहा है। तो जैसे ही फेज़ 2 का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फेज़ 3 का काम गिफ्ट सिटी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट ने डेट डिक्लेयर नहीं किया है कि ये ईयर को गिफ्ट सिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टली कहना कि ये ईयर में कंप्लीट हो जाएगा ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है। उसके बाद उसने आगे बताया, और आपको क्या लगता है गिफ्ट सिटी मुंबई से आगे होगा। तो वैसे डायरेक्टली तो कहना लग गिफ्ट सिटी मुंबई से आगे होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मुंबई क्या है लग सालों से इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर बना हुआ है। इंडिया का जो BSE है, NSE है, तो उसके पूरा हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। काफ़ी सारे बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, प्लस काफ़ी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके सारे हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो मुंबई क्या एक वेल एस्टेब्लिश सिटी है, करोड़ों का उसका पॉपुलेशन है, सालों से वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी चलती आ रही है। तो वैसे डायरेक्टली कहना तो डिफिकल्ट होगा कि गिफ्ट सिटी उसके आगे निकल जाएगा पीछे रहेगा, ऐसा डायरेक्टली भी कहना मुश्किल होगा। वह फ्यूचर में भी गिफ्ट सिटी को पूरा फाइनेंशियल सेंटर बना रहे, तो उसके और पे आगे मतलब गिफ्ट सिटी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एंड मुंबई में क्या है, दूसरे भी काफ़ी सारे बिजनेस अलग अलग डायमंड का हो गया, दूसरे भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विस के अलावा भी दूसरे काफ़ी सारे बिजनेसेस मुंबई के अंदर है। एंड गिफ्ट सिटी के अंदर मोस्टली फाइनेंशियल बिजनेस या सर्विस बिजनेस को ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिख रहा हो पूरा मेट्रो लाइन है, अहमदाबाद से गांधीनगर जो पूरा मेट्रो बनने वाला था उसके अंदर पेशेल एक लाइन ली जाएगी, गिफ्ट सिटी की ओर ले जा रही है। तो ये जो लाइन दिख रहे हो वो गिफ्ट सिटी का बाहर का एरिया है। इसको आप लास्ट ब्लॉक के साथ कंपेरिजन भी कर सकते हो। लास्ट ब्लॉक में क्या है, पूरे पिल्लर मतलब बने हुए नहीं थे, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका बेस का काम पूरा स्टार्ट हुआ था। और अभी आप जैसे देख पा रहे हो तो पूरा के पूरा मतलब काफ़ी पिलर अभी रेडी होकर हमको पूरा दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है, गिफ्ट सिटी के बाहर का एरिया, मतलब गिफ्ट सिटी के ओर ये लाइन को खींचा जा रहा है। ये गिफ्ट सिटी का एक्चुअल एरिया नहीं, गिफ्ट सिटी का बाहर का एरिया है। जो गिफ्ट सिटी का एक्चुअल एरिया उसके अंदर भी मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये गिफ्ट सिटी का एक्चुअल एरिया है, इसके अंदर भी काम में काफ़ी प्रोग्रेस दिख रहा है। लास्ट ब्लॉक के साथ कंपेरिजन करें तो बाहर से देखने पर थोड़ा बहुत डिफरेंस पूरा नजर आ रहा है हमको। एंड यहाँ पे बाहर एक शॉप वाले अंकल को भी मैंने पूछा था कि यहाँ पे मेट्रो का काम कैसे चल रहा, तो उसने भी मुझे बताया कि काफ़ी स्पीड से यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। ये पिछले थोड़ा टाइम में उसने काफ़ी प्रोग्रेस से पूरा काम किया था। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मेट्रो का काम भी वहाँ पर कम्प्लीट हुए। अभी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो गिफ्ट सिटी के अंदर अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो उसमें से पहला न्यूज़ है विस्तारा एयरलाइन है, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग का यूनिट पूरा इस्टेब्लिश करने वाली है गिफ्ट सिटी के अंदर। तो काफ़ी अच्छे एक न्यूज़ है। उसके बाद का जो न्यूज़ है GIC के रिलेटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके अलग अलग सिटीज़ में, इंडिया के अंदर भी है, प्लस दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, मॉस्को के अंदर उसका ऑफिस है। तो वो क्या अभी GIC क्या करेगा, दुबई के अंदर जो उसका ऑफिस है वो पूरा शट डाउन करके उसको पूरा गिफ्ट सिटी के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद का जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड। थोड़े टाइम के पहले का मेरा जो व्लॉग था उसमें मैंने कवर किया था कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है वो गिफ्ट सिटी के अंदर खुद अपना लाइक एक ऑफिस सेटअप करने वाला है। तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ऑफिस गिफ्ट सिटी के अंदर ओपन कर दिया। NSE के साथ मिलकर उसने गिफ्ट डेटा कनेक्ट करके एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके साथ ही पूरा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ने गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर दिया है। तो उसके काफ़ी सारे ट्वीट भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो काफ़ी सारे ऑफिशियल लाइक सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी ट्वीट है, काफ़ी सारे
गिफ्ट सिटी की तरफ से भी काफ़ी सारे ऑफिशियल ट्वीट है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके प्रेसिडेंट होता है या जो भी उसके अलग टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उसने गिफ्ट सिटी विजिट भी किया है एंड पूरा गिफ्ट सिटी में इसने ऑफिस एस्टैब्लिश किया है। तो अभी आपको पता होगा दुबई के अंदर एक्सपो चल रहा है, एक्सपो 2020, तो वहाँ पे भी जो इंडियन पेवेलियन है वहाँ पे गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट है, उसके पर्पज़ से उसको भी वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद मैं एक खास न्यूज़ की आपको बात करूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी लाइक जेपी मॉर्गन हो गया, पीएनबी हो गया, केपीएमजी हो गया, एसएसबीसी हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, तो ऐसी काफ़ी सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी है उसने अपना ऑफिस गिफ्ट सिटी के अंदर स्टार्ट कर दिया है या तो फिर बहुत ही नियर फ्यूचर के अंदर गिफ्ट सिटी के अंदर अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारे थे कुछ न्यूज़ जो बाहर से मतलब हमको बाहर से नहीं दिखता, बाहर से तो हमको सिर्फ बिल्डिंग ही दिखता है, तो पूरा मतलब आर्टिकल रीड करें दूसरा न्यूज़ में हम देखते रहे तो वहाँ से पता चलेगा कि बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, बाहर से लोगों का क्या मेन तो बिल्डिंग दिखता है। तो बिल्डिंग में मतलब ग्रोथ तो अच्छी बात है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो तो अच्छी बात है, और उसके साथ साथ ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, दूसरी कंपनी आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो अभी काफ़ी सारे मैंने जो बताया सारे न्यूज़ अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है सारे न्यूज़। अभी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो से मैं कम से कम 1000 न्यू सब्सक्राइबर एक्सपेक्ट करता हूँ। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई टावर के बारे में। तो यहाँ पे सामने आप जो देख रहे हो एसबीआई टावर है, तो लास्ट लॉक के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ऊपर का जो उसका टॉप बनने वाला है तो उसका पूरा अलग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे देख अभी वीडियो में देख पा रहे हो जैसे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अलग कंप्लीट हो गया ऊपर की साइड पर, अब वहाँ पर पूरा सीलिंग का काम और वो सारा वहाँ पर फिनिश किया जाएगा। तो लास्ट लॉक की कंपेरिजन हमको यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एंड दूसरा भी मैंने आपको दिखाया था कि एसबीआई टावर के सामने जस्ट ट्री प्लांटेशन का पूरा काम चल रहा था, तो जैसे कि अभी वीडियो में देख पा रहा हूँ तो वहाँ पर भी ट्री प्लांटेशन पूरा काम कंप्लीट हो गया है। एंड दूसरे भी आप रोड पे देखो रास्ते पे देखो तो काफी प्रॉपरली पूरा ट्री प्लांटेशन किया हुआ है, काफी पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो भी कर गए हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर आप देखो तो काफ़ी आपको ग्रीनरी मिलेगा, हर रोड पे कोई भी रोड पे जाओ तो बीच में बड़े बड़े रास्ते अवेलेबल है, पूरा ग्रीनरी पूरा अच्छे से पूरा ग्रास उगाया हुआ है, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो लाइक इंडिया में नॉर्मली देखने को नहीं मिलते ऐसे पेड़ पौधे काफ़ी लगाए हुए हैं। तो काफ़ी सारी ग्रीनरी का स्पेशली ध्यान रखा गया है एंड पूरा इको फ्रेंडली जो सिटी बोलते हैं इस टाइप से पूरा सिटी को डेवलप किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो है LIC का टावर है। तो लास्ट व्लॉग के साथ आप पूरा कंपेरिजन कर सकते हो कि वहाँ पर बहुत ही बेसिक काम स्टार्ट हुआ था, अभी देखो तो वो काम में भी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमको नजर आ रहा है। इन फोटोज में देख भी सकते हो कि LIC टावर बनने के बाद कैसा दिखेगा। अभी अपने बात करते हैं BSE ब्रोकर टावर के बारे में। तो लास्ट ब्लॉक में भी मैंने इसको कवर किया था, तो अभी आपने देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो अलग अलग लाइक इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, कांच बिठाने का काम हो गया, फ्लोरिंग का अंदर से काम हो गया, काफ़ी सारे काम में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी आप सामने जो देख पा रहे हो एक रेसिडेंशियल टावर है, तो शोभा करके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो पूरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रही है। तो लास्ट ब्लॉक के साथ आप पूरा उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो लास्ट ब्लॉक के कंपैरिजन में इसमें 2-3 फ्लोर ज़्यादा बन गए हैं। अभी आप जो वीडियो में यहाँ पे देख पा रहे हो वो है मल्टी लेवल पार्किंग है। तो मतलब काफ़ी सिटी में मल्टी लेवल पार्किंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो गिफ्ट सिटी में पहले से इसको प्लान करके बनाया गया है। इन काफ़ी बिल्डिंग बाहर से देखने पे काफ़ी यूनिक लगता है, पूरा पाइप लगाया गया हर साइड पे, पर पूरा काफ़ी हर पेड़ पौधे भी बिल्डिंग के अलग से देखोगे नज़दीक से आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा काफ़ी पेड़ पौधे भी वहाँ पर दिख रहे हैं। तो मल्टी लेवल पार्किंग भी गिफ्ट सिटी के अंदर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे सामने आप देखो तो आपको BIFC का बिल्डिंग दिखेगा, और उसके बाद उसके बगल में आपको जस्ट NSE का लोगो मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो US के जो टॉप 15 स्टॉक इंडिया के अंदर जो लॉन्च वाले थे उसके अंदर आप डायरेक्टली जो इन्वेस्ट कर पाते हो, तो NSE के थ्रू IFSC के साथ मिलकर पूरा करने वाले थे। तो यहाँ पे देख रहे हो तो ऑफिशियली यहाँ पे NSE का लोगो भी बिल्डिंग के ऊपर लग गया है। तो आज के वीडियो में बस ये सारे अपडेट थे गिफ्ट सिटी के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तब आपके कमेंट का मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा नॉलेज होगा उसके भी मैं आपको आंसर करने का पूरा ही ट्राई करूंगा मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।